तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो अगर मैं बताऊँ यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो एक गैस है जो टेम्परेचर टी है एडियाबेटिकली एक्सपैंड टू इट्स वॉल्यूम, मतलब अगर इसका वॉल्यूम इनिशियली देखोगे बी है, तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो टू भी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे गामा की वैल्यू दिया हुआ है 3/2। तो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? तो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, प्रेशर फाइनल वॉल्यूम फाइनल माइनस प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। और ये वाली चीज़ जो है, तो यहाँ पर तुम देखो वॉल्यूम तो पता है, प्रेशर भी मान लो वी आई इनिशियल है, तो यहाँ तो तुम देखोगे वॉल्यूम तो प्रेशर फाइनल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो प्रेशर फाइनल 1 माइनस यहाँ पर तुम देखोगे तो आइडियाबेटिक के लिए पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो अगर पी वी गामा की वैल्यू कॉन्स्टेंट है प्यारे बच्चों, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी की गामा, प्रेशर फाइनल अपन प्रेशर इनिशियल, वॉल्यूम इनिशियल अपन वॉल्यूम फाइनल, और इन सब पे पावर चढ़ेगा गामा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर भी था तो ये टू भी हो गया, और ये आ गया गामा 3/2। तो गामा 3/2 ने बी को कट गया, तो 1/2 की पावर 3/2, 1/2 की पावर 3/2 मतलब 2 और ये 3 और ये अंडर रूट। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 और ये 2 और रूट 2 यहाँ से, ठीक है ना। तो ये वाले जो 2 रूट 2 यहाँ से, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल जो हमारे पास प्रेशर बन के आया, तो यहाँ पर फाइनल प्रेशर बन के आया तो प्रेशर इनिशियल डिवाइडेड बाई 2√2 के इक्वल आ गया ये वाला। इसको ले जाके इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो और गामा की वैल्यू रख दो, तो वर्क डन यहाँ से जो दिखेगा, प्रेशर फाइनल प्रेशर इनिशियल और 2√2 यहाँ पे, और वॉल्यूम फाइनल 2V माइनस वॉल्यूम इनिशियल और इनिशियल वॉल्यूम यहाँ भी था, और इज 1 माइनस गामा की वैल्यू 3/2। तो गामा की वैल्यू 3/2, तो माइनस 1/2 इधर आया, और यहाँ से पी इनिशियल और वॉल्यूम कॉमन आ गया, ठीक है। और 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया, मतलब 1/√2 यहाँ बचा और माइनस 1 यहाँ बचा, नहीं तो ये यहाँ से देखोगे तू तो ये 2 ऊपर आएगा ना यहाँ पे, एक मिनट, तो ये 2 जो है यहाँ पे ऊपर को कूद के आएगा। तो यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से -2, तो -2 जब माइनस अंदर ले जाओगे, नहीं नहीं मन करा तो आइडियल गैस इक्वेशन से पी बी की वैल्यू एन आर डेल्टा टी रख सकते हो, और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 यहाँ और -2, और अगर इसको मैं रेशनलाइज कर दूँ तो माइनस एन आर डेल्टा टी, और यहाँ से √2 से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √2 -2 ये वाला बचेगा, दैट इज़ द वर्क डन। तो फाइनली जो वर्क डन है वो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन, ये है वर्क डन की फाइनली यही है। तो माइनस एन आर टी या इसको तुम वर्क डन ऐसे लिख सकते हो, एन आर डेल्टा टी की वैल्यू 2 -√2 के इक्वल है, तो 2 -√2 एन आर टी, नंबर ऑफ मोल अगर 1 लेते हो, नंबर ऑफ मोल यहाँ पे 1 लेते हो, तो ये आ जाएगा ना आर डेल्टा टी और 2 -√2, तो आर डेल्टा टी 2 -√2 आर डेल्टा टी 2 -√2 ये वाला। तो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।